फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर टेली चक्कर वी एफ एक्स अवार्ड्स एंड आई थिंक आजकल का जो ज़माना है वो यू नो वी एफ एक्स का ज़माना हो गया है. एवरीबडी सो इंस्पायर्ड बाय एवेटार, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो इनिशियली आई थी एंड नाउ बाहुबली इज देयर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड वी एफ एक्स. सो आई एम सो पठान आई है उसमें काफ़ी अच्छे वी एफ एक्स हैं. सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकॉज जो इंडियंस हैं वो ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं लिटरली दोज आर इंडियंस हु आर एक्चुअली मेकिंग दीज गुड वी एफ एक्स एंड आई एम श्योर कि इंडिया के जितने भी बॉलीवुड की फिल्म हैं उनमें भी ऐसे बेहतरीन वी एफ एक्स हम और देखने को मिले. मुझे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अच्छी लगी थी. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑल द थ्री फिल्म हैं उसकी एंड अमेजिंग फिल्म एंड उस टाइम पे यस यस. थैंक यू. ओह माय गॉड सो अमेजिंग. मतलब आई थिंक जैसे ही ड्रॉप हुआ है सीजन टू एवरीबडी हैज सीन इट एंड सब मुझे वीएम्स डीएम्स और जो वीडियोस एंड फोटोज बनाते रहते हैं सब बना रहे हैं एंड आई एम सो थ्रिल्ड टू सी दैट पीपल आर लविंग सीजन टू फाइनली. आप सब लोग पूछते रहते थे कि तू जख्म है का सीज़न टू कब आएगा. सो हियर इट इज टुडे ओनली इट गॉट रिलीज्ड. सो आई एम सो सो एक्साइटेड अबाउट इट. इसके अलावा इंडिपेंडेंट सॉन्ग को लेके क्या कुछ आने वाला है क्योंकि आपके हमेशा गाने को लेके काफी अच्छे रहते हैं. आप बताना चाहोगे किस तरह के नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं सीजन टू. I'm doing some short films. So Abundant करके एक short film है जो कि कल release होगी. FNP Media की short film है and another short film is there which I've shot. So वो pipeline में है. So ये सब चल रहा है. I'm going into the short film. Maybe you know the film which got Oscar, the short film Elephant Whispers. Maybe one day my film gets an Oscar. Short films are really in, I think. Beautifully, it was really beautifully made. I think Elephant ko ekdam heroine jaisa dikhaya. That was so beautiful and my face was always smiling whenever I used to see the film and so, so happy that India has got so many Oscars, you know, and Elephant Whispers, RRR, Natu Natu, it feels amazing seeing India on that platform. Thank you. Oh, beautiful, है ना?